अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। दोस्तों, कहा जाता है कि दुनिया में एक ऐसा परिंदा भी मौजूद है जिसे लोग मनहूस यानी नहुसत की अलामत समझते हैं। इस परिंदे को लोग उल्लू कहते हैं, कुछ लोग इसको घर में परेशानी लाने वाला परिंदा कहते हैं। कुछ लोग तो यूं समझते हैं कि जिस घर में ये परिंदा बोलने लगे या जिस घर में भी ये परिंदा आने लग जाए तो उस घर में बहुत सी मुसीबतें आती हैं या किसी की मौत होने हो जाती है। ये परिंदा हमेशा वीरान जंगलों में ही क्यों रहता है? आखिर ये परिंदा क्यों सबसे छुपकर वीरानों में रहना पसंद करता है? आखिर इस परिंदे ने करबला के मैदान में क्या देखा था? आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी इस परिंदे को जरूर देखा होगा और आपने ये महसूस भी किया होगा कि ये परिंदा हमेशा उदास क्यों रहता है और हमेशा वीरानों में ही क्यों रहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और इस मुकालमे के बाद तो उल्लू को एक बहुत ही खतरनाक खिताब भी दिया गया था। सबसे पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके बारे में आपको बताते हैं। आप सब तो जानते ही हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये सिफात अता फरमाई गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे और उनकी जबान समझ सकते थे। एक दफा एक उल्लू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ और आपको सलाम अर्ज किया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के सलाम का जवाब दिया, जिसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से ये सवाल पूछा कि जंगल के खेतों में पैदा होने वाली चीजों को तुम क्यों नहीं खाते हो? जिसके बाद उल्लू जवाब देता है, मैं अनाज को सिर्फ इसलिए नहीं खाता हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सिर्फ जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसीलिए मैंने अनाज खाना छोड़ दिया है। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से पूछते हैं, और तुम पानी क्यों नहीं पीते? उसके बाद उल्लू कहता है, क्योंकि ये वही पानी है जिसमें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हलाक किया था। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से फिर एक और सवाल करते हैं कि तुम दिन में बाहर क्यों नहीं निकलते? जिसके जवाब में उल्लू कहता है, क्योंकि दिन के वक्त एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है, इसलिए मैं दिन में बाहर नहीं निकलता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सवाल और पूछा कि जब तुम बैठे होते हो तो अकेले में क्या बातें करते हो? जिसके जवाब में उल्लू कहता है कि जब भी मैं वीराने में बैठा होता हूं तो मैं सवाल करता हूं कि कहां गए वो तमाम लोग जो इस जगह पर बसा करते थे, बहुत ऐशो इशरत की जिंदगी बसर किया करते थे। उल्लू के साथ मुकालमे के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों के लिए इतनी ज्यादा मोहब्बत और शफकत नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में घोंसला बनाया करते थे और इंसानों के घरों और महलों में नजर आया करते थे और इंसानों के साथ ही रहते थे। जब भी कोई इंसान खाना वगैरह खा रहा होता तो उल्लू उसके पास आकर बैठ जाया करते थे, जिसके बाद वो इंसान उल्लू को थोड़ा सा खाना दे दिया करता था जिसको खाकर उल्लू उड़ जाया करते थे। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु इस चीज की तसरीह करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक उल्लू इंसानों के साथ रहा करते थे। एक बार एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैहि की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने अर्ज किया कि आप मुझे बताइए कि ये जो उल्लू परिंदा है ये हमेशा वीरान जगहों पर क्यों रहना पसंद करता है और ये हमेशा उदास ही क्यों रहता है? आपने फरमाया, ऐ शख्स, तू जैसा आज इस परिंदे को देख रहा है, ये परिंदा हमेशा से ऐसा नहीं था। ये परिंदा हमेशा वीरानों में नहीं रहता था और ना ही ये उदास रहता था। इसके साथ एक ऐसा वाक्य पेश आया कि इस वाक्य के बाद ये परिंदा हमेशा उदास रहने लगा। ये सुनकर उस शख्स ने अर्ज किया कि हजरत ऐसा क्या हुआ था इस परिंदे के साथ और ऐसा वो कौन सा वाक्य पेश आया था? हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नाम का परिंदा प्यारे नबी सरकारें दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला है।
और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों से मोहब्बत करने वाला है। जब इस परिंदे को पता चला कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला के मैदान में अपने तमाम साथियों के साथ रुके हुए हैं, तो ये उल्लू मुहर्रम की रात करबला में जा पहुंचा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से अर्ज करने लगा, ऐ हुसैन, मेरे लिए क्या हुक्म है? तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ परिंदे, तू यहां से चला जा, क्योंकि कल जो कुछ भी प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के साथ जो होने वाला है वो तुम देख नहीं पाओगे। तो ये सुनकर उस परिंदे ने कहा कि या हुसैन, उन्हें सलाम, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा। जब उल्लू परिंदा जिद करने लगा तो आपने फरमाया कि ठीक है, तुम रुक जाओ। इसके बाद इस परिंदे ने करबला का पूरा वाक्य अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक आपके बदन से कैसे जुदा किया गया, इस परिंदे ने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों के साथ जो बर्ताव किया गया, इस परिंदे ने वो भी अपनी आंखों से देखा। तब से ये परिंदा इंसानों से नफरत करने लगा है और इंसानों से डरने लगा है। ये परिंदा रातों के वक्त अंधेरे में घूमता है, जैसे ही उजाला हो जाता है लोग नींद से जाग जाते हैं, वैसे ही ये परिंदा वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को मनहूस समझते हैं, इनको ये नहीं पता कि ये मनहूस किस वजह से है, बस ऐसे ही इसको मनहूस कहना शुरू कर देते हैं। अगर ये किसी घर के आसपास आकर बोलने लगे तो लोग समझते हैं कि हमारे ऊपर कोई बला आने वाली है। कितने ही लोग तो ऐसे हैं कि लोग इसके बोलने की वजह से अपना घर बाहर छोड़ देते हैं। उल्लू को मनहूस समझना एक जाहिलाना सोच है। ये बेचारा परिंदा तो कभी कभार ही बोलता है, ये बेचारा खुद ही इंसानों से डरता फिरता है। इसको कहीं पर भी इंसान नजर आए तो ये परिंदा फौरन उड़ जाता है, ये किसी का क्या बिगाड़ेगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 205 किस्म के उल्लू पाए जाते हैं, लेकिन इनकी पूरी कौम को दो कबीलों में बांटा गया है, एक बार और उल्लू और दूसरा आम उल्लू। आपको याद रहे कि कीड़े मकोड़े वगैरह इंसानों के दुश्मन तो होते ही हैं, लेकिन खेतों की फसल के भी दुश्मन होते हैं, लेकिन उल्लू इनको अपनी खुराक बनाकर करोड़ों का अनाज बचाता है। उल्लू लोगों की माली मदद करता है, इसलिए उल्लू इंसान का दोस्त कहलाता है। आमतौर पर इनकी उम्र लगभग 12 साल होती है। उल्लू अपना घोंसला पेड़ों की खोकर में बनाता है, या फिर अपना घोंसला वीरान जगहों पर बनाता है, या किसी कुएं की वीरान जगह पर बनाता है। आपको बता दे कि दीगर बातों की तरह इंसान को मुखातिब करते हुए एक गलत बात यह भी बोली जाती है कि उल्लू की तरह आंखें दिखा रहे हो, लेकिन उल्लू बेचारा तो अपनी आंखों से माजूर है, वो तो सिर्फ सीधा ही देख सकता है। वो हम इंसानों की तरह अपनी नजरें घुमा ही नहीं सकता, वो अपनी सिर्फ गर्दन घुमा सकता है। कुछ लोग तो उल्लू का ताना देकर लोगों को कहते हैं कि उल्लू की तरह क्या देख रहा है। दूसरे परिंदों की निस्बत इसके पर भी बहुत ही हल्के होते हैं और मुलायम भी होते हैं, इसलिए जब ये उड़ता है तो इसके परों की बिल्कुल भी आवाज नहीं होती। उल्लू के बारे में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अकीदे पाए जाते हैं, जैसा कि वर्तमान में उल्लू के बोलने या इसके रोने की आवाज को मनहूस समझा जाता है, उल्लू की आवाज को मौत की अलामत तक समझा जाता है, मुल्क बर्तानिया में इसके बोलने या इसके रोने को मनहूस समझा जाता है, जुनूबी फीका में उल्लू के बोलने को मौत की अलामत समझा जाता है, मुल्क कनाडा में लगातार 3 दिन उल्लू के बोलने से किसी की मौत समझी जाती है, मुल्क चीन में उल्लू दिखाई देने पर पड़ोसी की मौत समझी जाती है, ईरान में उल्लू की अच्छी आवाज को खुशी की खबर माना जाता है और रोने वाली आवाज को बुरी खबर समझते हैं, तुर्की में भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है लेकिन सफेद उल्लू को सही समझा जाता है, हिंदुस्तान में उल्लू का घर पर बैठकर बोलना अच्छा सगुन नहीं माना जाता, लेकिन हिंदुस्तान में दिवाली के मौके पर खुशखबरी लाने के लिए, जादू टोने खत्म करने के लिए, यानी कि उल्लू की कुर्बानी देते हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आज की इस वीडियो से आपको बहुत जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।